बैक टू माई चैनल टुडे। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके साथ बात कर रही हूँ और बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो कलरफुल डिश आपको दिख रही है यहाँ पर, ये है मसाला पापड़। और ये इतना इजी है बनाना और ये इतना डिलीशियस बनता है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करी जाए इसकी रेसिपी। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो गाइस, मसाला पापड़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके सामने है। मैंने यहाँ पर लिया है प्याज, ये आधे से भी कम प्याज है, इसको बारीक काट लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे टमाटर, थोड़ा धनिया, और इसमें मैंने एक हरी मिर्ची डाल दी है। मैंने यहाँ पे लिया है साथ में थोड़ा सा पनीर, उसको कद्दूकस कर लिया है, ये ऑप्शनल है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है भुजिया, लाइक नमकीन आप कोई भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ साथ में लिया है केचप। और साथ में मैं जो मसाले यूज़ कर रही हूँ वो है नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और ऑब्वियसली हमें पापड़ तो चाहिए। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है हमें पापड़ को सेक लेना। ये मैंने पापड़ ले लिया और जो मेरा तवा ये मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको पापड़ को ऐसे रख देंगे और आप देख रहे हो ये मीडियम हीट पे मेरा जो तवा है ऑलरेडी गरम था, तो इसकी वजह से इस पर बबल्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो आपको हल्के हाथ से इसको साइड से ऐसे सेक, और ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे और यहाँ से भी साइड से हम सेकनी शुरू करेंगे। आप देख सकते हो बबल्स जो है ये आ रहे हैं, तो विच मीन्स कि पापड़ जो है वो अच्छे से सिक कर आ रहे हैं। तो अभी जो पापड़ है वो प्रॉपरली सिक चुका है, आप देख लो इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो अभी आप इसको निकाल कर यहाँ प्लेट में ऐसे रख लो। तो अभी चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने केचप ली थी, जो 2 चम्मच केचप थी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसा कर लिया, लाइक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली कर ली है ताकि इसको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी पापड़ पे इसको मैं स्प्रेड करूंगी। पहले मैं थोड़ी सी केचप ऐसे लगा लेती हूँ। ये देखिए, अगर आप ब्रश से करेंगे तो ये और इजीली हो जाएगा। सी, वाओ, नाइस। तो ये इवनली है जो है केचप हमारे पापड़ के ऊपर स्प्रेड हो गई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करते हैं इसमें सारी टॉपिंग्स डालना। तो अभी सबसे पहले बेस में मैं सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ, बिल्कुल कम सॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले अनियन डालने, और बहुत ज्यादा ना फाइनली चॉप्ड है ये, कोई ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े अनियंस हैं। मतलब जैसे आप अपने पिज्जा वगैरह के ऊपर टॉपिंग्स रेडी करते हैं, बस आपको वैसे ही इसको रेडी करना है। इट्स रियली सिंपल बट इट्स रियली डिलीशियस। ये डन हो गया, अभी ऐड करेंगे हम इसके ऊपर टमाटर, वो भी बस आपको इसको ऐसे कहीं पर भी रैंडमली स्प्रेड करना है, बस जिस वे में आप चाहो। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो था धनिया और हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची है। एक लेयर में नीचे ऐड करूंगी और एक में ऊपर, तो इसमें बस थोड़ा सा, अगर आप नहीं खाते मिर्ची आप स्किप कर लो। डालने के बाद अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, पिंच ऑफ चाट मसाला। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो पनीर डाला था ना मैंने आपको दिखाया था, ये पनीर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपको इसका टेस्ट अच्छा आएगा, लाइक अगर अवेलेबल है घर में यू कैन ऐड इट, अगर नहीं तो आप स्किप कर दें। तो इसको पनीर को मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे जैसे हम क्या कहते हैं स्प्रिंकल करते हैं ना कुछ भी, तो आपको बस इसको पनीर को ऐसे ऊपर से टॉपिंग करनी है रैंडमली। परफेक्ट। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो यूज कर रही थी मैं नमकीन, आप कोई भी नमकीन यूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद है वो। वाओ, लुक एट दैट, लुक्स टू गुड। एजेस पर भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। एंड देन इसके ऊपर अब जाएगी रेड मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, तो मैं ऊपर से ये जो है लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपको लगता है ये ज्यादा तीखा हो जाएगा आप स्किप कर दें इसको, या आप ग्रीन चिली स्किप कर दें। ये करने के बाद मैं इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। आपका मसाला पापड़ बनकर रेडी है ना, ये क्विक
इजी और कितनी अच्छी दिख रही है ये डिश। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना एंड ट्रस्ट मी, आप चाहो तो आप इसकी लेयर्स को डबल भी कर सकते हो, टॉपिंग्स को कम भी कर सकते हो। आई मीन ये कोई भी बना सकता है घर में, अगर एक छोटा सा बच्चा है उसको भी सिखा दे तो एज ए फन एक्टिविटी भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना घर पर, और आप ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ये कैसा बना है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पर दोबारा आकर दूसरी रेसिपी ज़रूर देखना, बिकॉज दिस रेसिपी आई एम पोस्टिंग आफ्टर सो मेनी डेज, तो मैं चाह रही हूँ कि इस टाइम पे मैं थोड़ी कॉन्टिन्यूटी ले आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।